क्रीपर। अरे हेल्थ कितनी कम हो गई मेरी, जल्दी से यार गाजर खाऊं मैं। एक सेकंड, ये तो मेरी आखिरी थी। चलो कोई ना, गोल्ड की कौन सी कमी हो रही है मेरे पास। अरे गाइस, मैं इतना सारा गोल्ड कहाँ से लाऊंगा। अरे हाँ, मैंने पहले भी ऐसा किया है, क्यों ना हम लोग एक गोल्ड फैक्ट्री बना लें। मैं सोच रहा हूँ वो एकदम डेंजरस होनी चाहिए, मतलब सी होनी चाहिए कि वो 300 गोल्ड ब्लॉक्स प्रोड्यूस कर पाए पर आवर, और इतना काम लगाए रहे। क्यों ना हम लोग इसके अंदर पूरी गोल्ड की प्रोसेसिंग मशीन बना दे। अभी यार बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाएगा ये, तो उसको रखूंगा कहाँ पे। एक काम करते हैं, हम लोग अपनी फैक्ट्री के अंदर एक बैंक बना लेंगे, और उसको सिक्योर करने के लिए उसके दरवाजे के लिए हम लोग एक पासवर्ड बना देते हैं। और यार अपनी पूरी फैक्ट्री बनाने से पहले मुझे देखना होगा कि हम लोग इसे बनाने कहाँ वाले हैं। यहाँ पे तो यार पूरी बस्ती बन रखी है, यहाँ पे जगह ही नहीं है। और यार इस वैली के ऊपर तो टेरफॉर्म करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, क्या हम लोग यहाँ पे। ओके, अब मैं ज्यादा कर रहा हूँ। गाइस मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा, और मुझे लग रहा है हम लोग की फैक्ट्री बनाने का बेस्ट स्पॉट इधर है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर तो बहुत सारे मटेरियल होंगे और मुझे कई सारी फैक्ट्रीज बनानी होंगी। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी सारी फैक्ट्रीज बना दिया करेंगे, और इसको पूरा ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया सा बना देंगे। लेकिन यार वहाँ की जमीन कुछ बनाने के लायक नहीं है, देख रहे हो उसे। चलो ये हो गई सी। वैसे मैंने क्यों आवाज़ निकाली, क्या हो रहा है भाई मुझे। चलो अब जब एरिया हम लोगों का डिसाइड हो चुका है, हम लोग सीधे एक फैक्ट्री को बनाना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि एक गोल्ड फार्म को ओवरवर्ल्ड में बनाना थोड़ी टेढ़ी खीर है। बात ये है ना, सारे गोल्ड फार्म पिगलिंस को मार के उनका गोल्ड निकालते हैं, लेकिन यार पिगलिंस तो स्पॉन ही नहीं होते हम लोगों के ओवरवर्ल्ड में, वो तो नेदर से आते हैं। लेकिन यार इस मुश्किल को सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में बन रहा है एक प्लान। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कोऑर्डिनेट्स की पिक्चर ले लेता हूँ, और ये मैंने इस एरिया को मार्क करके रख लिया है, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं भूल जाने वाला हूँ। सच बताओ तुम्हें याद है क्या थे कोऑर्डिनेट। देखो यार मैं एक मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं, 3 मार्क ले गया हूँ 100 के एग्जाम में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ओवरवर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को इधर लिखते हैं, और ये नेदर के अंदर वो एग्जैक्ट जगह इधर होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता नहीं था, नेदर का एक ब्लॉक इज इक्वल टू ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक। एनीवेज अब मैं आ चुका हूँ अपने नेदर में, और यहाँ पे मुझे एक सेकंड, ये कैसे आई यहाँ पे। हेलो, ये किसका बच्चा हो गया भाई। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, उस एग्जैक्ट एरिया के ऊपर जाना है और वहाँ पे एक पिगलिन फार्म बनाना है। अब यार मैं इसको नेदर के नीचे नहीं बनाने वाला, हम लोग बेडरॉक के ऊपर बना लेंगे इसे। और गाइस अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो हम लोगों को पता होगा कि मैंने ये फार्म भी बनाया था, लेकिन इसके अंदर दो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। पहली कि ये सारे पिगलिन को यहीं पे मार देती है, और इनकी लूट को यहीं पे ड्रॉप कर देती है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। और दूसरी, ये फार्म लूट को कलेक्ट करने के लिए नहीं बनाया, ये बनाया एक्सपी बढ़ाने के लिए। भैया सोना के डर है मेरा, तेरी मम्मी। लेकिन यार अभी ये फार्म मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से आ चुका हूँ यहाँ पर। और ये वही स्पॉट है जहाँ पर हम लोगों के ओवरवर्ल्ड के अंदर फैक्ट्री है। तो चलो मैं यहाँ पे अपने फार्म को आराम से बना सकता हूँ, बस उसको बिल्ड करने के लिए थोड़े मटेरियल चाहिए जो मेरे पास है। ओके, अब मैं वापस अपने बेस में आ गया, और हम लोगों का सबसे पहला मटेरियल है ऑब्सीडियन, जिसकी मेरे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उसका फार्म है। नेक्स्ट है हम लोगों का वुड, जिसको मैंने कल पूरा दिन निकाल के अपनी फैक्ट्री का एरिया बनाने के लिए हटाया था। उसके बाद मैं आ गया हम लोगों की फर्नेस के अंदर, जिसके अंदर पिछली बार से बहुत सारा ग्लास पड़ा हुआ है। तो इस शल्कर को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, और इसके अंदर अपने सारे ग्लास को डाल देते हैं। और ये ऐसा क्यों लग रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ अपने आप से। ओके ओके, फिर मैं आ गया हूँ अपने ओशन बायोम के पास, क्योंकि मुझे कुछ समुद्री माल चाहिए, और वो है कछुए। वैसे कछुए नहीं, उनके अंडे चाहिए मुझे। तो कुछ को मैं यहाँ पे टेम्पोरेरीली बाहर ले आऊं, और इनको भी थोड़ी बहुत घास फूस देते हैं, और ये निकले ये रहे। एनीवेज गाइस, अब हम लोगों को थोड़ी और छोटी मोटी चीजें चाहिए, जैसे कि हम लोगों की चेस्ट। अब हम लोगों का सबसे आखिरी मटेरियल जो कि है मैग्मा। वैसे मुझे ज्यादा तो नहीं चाहिए, बस छोटा सा नंबर है ऐसा कुछ 14,000। ओके ओके, अब जब मेरे पास सारे मटेरियल आ चुके हैं, हम लोग फाइनली अपने फार्म को बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से अपने ऑब्सीडियन को पकड़ते हैं, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक स्क्वायर बना लिया। और अब हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर के एक कॉर्नर को पूरे 100 ब्लॉक से ऊपर लेके जाना है। तुम लोग सोच रहे होगे मैं आखिरकार कर क्या रहा हूं? मैं एक्चुअली यहाँ पे अपनी नेदर पोर्टल्स बनाने वाला हूँ। ये देखो कितना सारा ऑब्सीडियन लगा है इसके अंदर। ये बेसिकली क्या करेंगे, हम लोगों के जो सारे पिगलिंस हैं उनको ओवरवर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे, जहाँ पे तुम लोगों को पता है क्या होने वाला है उनके साथ। अब गाइस देखो, हम लोगों को इन सारी पोर्टल्स के बीच में लगाने हैं अपने टर्टल एग्स। अब देखो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक्टिंग करके समझाता हूँ। ये है आम जिंदगी। अरे यहाँ पे कछुआ कहाँ से आया, हटाओ इसे। नाइस। ये है तेरी मम्मी जिंदगी। हाँ,
तुम लोगों को बात समझ में आ गई। पिगलिंस पता नहीं अजीब से आते हैं, दौरा वौरा पड़ जाता है उन्हें टर्टल एग देखते, लेकिन वो उसकी तरफ वॉक करने लगते हैं और इसका मतलब है कि वो यहाँ पे हम लोगों के ऑब्जिडियन की तरफ चल के आएंगे और ऐसे करके वो आराम से ओवरवर्ल्ड में आ जाएंगे। 12 seconds later नहीं, मेरा टर्टल एग डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। चलो लेकिन तुम लोगों को अब बात समझ में आ गई होगी, कहां से चल के आया हुआ वो लिटरली। एनीवेज गाइस, अब ऐसा हो सकता है गलती से हम लोगों के जो पिगलिंस हैं वो पोर्टल के थ्रू वॉक करते हैं बिना टेलीपोर्ट है। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रैपडोर्स को क्राफ्ट करने वाला हूँ और इनको अपने अंडों के अराउंड लगा देने वाला हूँ कुछ ऐसे करके कि वो लोग एक्चुअल में इसको ब्रेक ना कर दें। पूरे फार्म का काम तमाम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। ये यार है और पागल बन गए इतना इजी। नाइस, तो इसका मतलब है मेरी टेक्निक सारी तो वर्क कर रही है आराम से और हम लोगों का टर्टल है पूरा सेफ और सुरक्षित है। ये देखो लिटरली मैं भी कोशिश करूँ नहीं पहुंच पाऊंगा, तो ये काफी बढ़िया सिस्टम है मेरा। एनीवेज, अब हम लोगों के फार्म के फाइनल चीज की बारी और वो है स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म, जिसको बनाने के लिए मैं अपने मैग्मा का यूज करने वाला हूँ। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करके कुछ अजीब सा सर्कल कोन ऐसी कुछ उसके बीच की चीज बना देते हैं, इसको अगर हम लोग बीच में से फिल कर दें तो ऐसा हम लोगों का एक स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म होने वाला है। इतने एरिया से आई थिंक हम लोग के सारे पिगलिंस आराम से अपने टर्टल एग को देख लेंगे और उसकी तरफ दौड़ जाएंगे। और मेरा प्लान है यहाँ पे मैं पूरे ऊपर तक अपने प्लेटफॉर्म बना दूं। और बाप, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, इतना डैमेज लेते कुछ तो करना होगा हम लोगों को। नहीं, जल्दी से हम लोग कुछ डायमंड के बूट्स बनाते हैं और इनको हम लोग नेदरराइट के बूट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो मेरा प्लान ये है कि इन बूट्स के अंदर मैं लगाने वाला हूँ एक फ्रॉस्ट बाइट एन्चेंटमेंट। तो क्या होता है, बेसिकली अगर तुम नॉर्मल वॉक करते हो मैग्मा के ऊपर तुम्हें उसकी गर्मी से डैमेज मिलता है, लेकिन अगर तुम इन जूतों को पहनते हो जिनके ऊपर फ्रॉस्ट बाइट लगा हुआ है तो तुम आराम से मैग्मा के ऊपर चल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखो यार, सोचने की बात ये है मैं इसको लेने कैसे वाला हूँ क्योंकि एन्चेंटिंग टेबल के अंदर तो नहीं मिलता है। लेट्स सी कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। ये तो यहाँ पे लिखा है ये नेचुरली जंगल टेम्पल और स्ट्रॉन्ग होल्ड में तो वैसे ढूंढने पे मिलता है, वरना ये फिशिंग करने पे या फिर विलेजर से ट्रेड करने पे वैसे मिल जाता है। मैं सोच रहा हूँ सबसे इजी मेथड मेरे लिए तो विलेजर से ट्रेड करना होगा, तो क्या करते हैं यार अपने अकाउंट को जल्दी से मैं खाली करता हूँ और इसी विलेज में पहुंच जाते हैं हम लोग पास वाले। चलो भाई, विद्यालय शुरू कर दिया मैंने और ये सब भाई मास्टर साहब बन चुके हैं बिल्कुल। इसके पास है क्या, हम लोग कर क्या रहे हैं, धोबी बन रखे हैं भाई, सबको किसने लगाई है यहाँ पे। हाँ बढ़िया बढ़िया, इधर आ रहे हैं। नाइस, देखो ये वाला विलेजर यार मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है यही देगा हम लोगों को फ्रॉस्ट वॉकर, है ना। लेट्स सी, ओके तो ऑपोजिट है फायर प्रोटेक्शन। यस, और यार पहले बैच में मिल गया मुझे। ओके तो फ्रॉस्ट वॉकर 1 है इसके पास, तो हम लोग क्या करते हैं 2 बुक्स ले लेते हैं। मैं काम करता हूँ इसको फ्रॉस्ट वॉकर 2 तक अपग्रेड कर लेता हूँ और ये हो गए हम लोग के जूते एन्चेंट। बस इनके अंदर मैं अपनी अनब्रेकिंग मेंडिंग लगा दूं, मुझे फिर से नहीं ढूंढना है यार इस विलेजर को। और अब यार ये अलग चीज बनाई है तो इसको याद रखने के लिए कुछ अच्छा सा नाम देते हैं। आई थिंक मैं इसका नाम रखूंगा नमूडी बुब। बढ़िया से जूते आ चुके हैं। नाइस, ये वर्क कर रहा है। तुम लोगों को पता नहीं यार कितना अच्छा लग रहा है, वो पिछला वाला फार्म बिना इनके बनाया था मैंने, उन लोगों को पता नहीं है कितने दुख और दर्द को सहा मैंने। चलो अब मैं क्यों निकाले जा रहा हूँ यार इस आवाज को। एनीवेज, मैंने एक्सटेंड कर दिया अपनी मैग्मा की लेयर को। तो गाइस ये हम लोगों का पुराना वाला फार्म और ये बब्बू डेंजरस। यार ये तो खतरनाक काम कर रहा है, देख रहे हो ऑलरेडी कितने पिगलिंस आ चुके हैं भाई साहब, इन जूतों के कमाल के बिना नहीं हो पाता ये। लेकिन अभी हम लोगों का पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग अपना कारपेट लगा देते हैं क्योंकि यार मैं नहीं चाहता वो भाई ये ना आ जाए, और यहाँ पे ग्लास भी लगा देते हैं। एंड फाइनल से फाइनल चीज, हम लोग इन सारी पोर्टल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और ये भाई पूरा फॉर्म रेडी होगा भाई साहब। कंप्यूटर की कुछ चीज लग रही है, देख रहे हो कितनी कूल सी लग रही है नेदर पोर्टल, मैंने ऑप्टिकल इल्यूजन सा क्रिएट कर दिया है। और ये देखो ऑलरेडी अपने पिगलिंस जाने लगे, वैसे तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं बीच में अटक जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग के जो सारे पिगलिंस हैं वो यहाँ पर कहीं स्टोर्ड हैं हवा के अंदर, घूम सकते हो तुम लोग। तो क्या करते हैं इस क्रॉस के ऊपर हम लोग जल्दी से अपनी एक नेदर पोर्टल बनाते हैं और पिगलिंस गाइस कोई आया क्यों नहीं वहाँ पे। ओ अच्छा, मैं वहाँ पे हूँ नहीं ना, तो कोई पिगलिंस स्पॉन नहीं हो रहा। वो आएंगे कैसे जब वो लोडेड ही नहीं है अपने वर्ल्ड के अंदर। लेकिन यार मैं तो चाह रहा था हम लोगों का फार्म यहीं पे ऑपरेट करे, अब ऐसा कैसे करूँ मैं। ये प्रॉब्लम फिक्स करने, अरे भिखारी फिर से आ गया, अब इसको क्या दूंगा मैं। एक काम कर, एक मंगा। मम्मी डिश डॉर्स कर लिया मैंने ना, देखो मैंने पूरी मास्टर कर लिया है टेक्निक इनको डॉज करने की। देख रहे हो ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ मजे से। इन लोगों को यार बाहर ठंडक लग रही होगी, दिसंबर लग गया, इनको थोड़ी सी गर्मी दे देते हैं ना। ओके गाइस, पता नहीं यार इनको क्या हो गया, ऐसी नींद में लग गई, चलो इनको बिस्तर में डाल। ओके यार अब मैं नहीं कर सकता, ज्यादा हरकत हो रही है। एनीवेज, अब जब पोर्टल बन चुकी है मैं इस क्रॉस को हटाया था, और एक काम करते हैं यहाँ पे इन पिगलिंस का क्लेम मैकेनिज्म बनाते हैं। अब यार देखो इनको सीधे नेदर पोर्टल से नीचे तक तो नहीं गिरा सकते क्योंकि इतने हाइट से तो मेरे जैसा चूजा भी नहीं मरेगा, और मैं नहीं चाह रहा हम लोग सीधे सीधे इन लोगों
को नीचे डिक करके मार दे, कुछ नहीं दिखेगा लिटरली। एक सेकंड फटने की आवाज आई, कोई फटा है, नाइस। कुछ तो हुआ वहाँ पे, वो देख रहे हो कैसे लड़ रहे हैं वो लोग। एनीवेज यार, इस काम को मैं केयरफुली कर लूं थोड़ा। तो हम लोग अपने पिगलिंस को ऐसे करके इधर दो साइड के अंदर ले आएंगे, जिससे कि वो दो भागों के अंदर स्प्लिट हो जाए और हम लोगों का काइंड ऑफ ऐसा लगे कि दो किलिंग मैकेनिज्म्स हैं। ये पानी हम लोग के पिगलिंस को पूरा फ्लो करके इस एरिया के थ्रू ले जाएगा। वैसे इसको थोड़ा और ऑफिशियल सा कर देते हैं, यहाँ पे काफी गंदा सुंदर सा हो रहा है, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब देखो, हम लोग के पिगलिंस स्लाइड करके इस स्पॉट पे आ जाएंगे, उसके ऊपर मैं एक होल बना दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर कर लेते हैं। और वहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक वाटर एलिवेटर बना लूंगा। और अब क्या करते हैं, जिस एलिवेटर की मैं बात कर रहा था उसको एक्चुअली बना देते हैं, और मैं उन लोगों को अराउंड यहाँ तक ले जाऊंगा। तो बेसिकली जब वो यहाँ से कूदेंगे तब, ओ गाइस लंगड़ा हो गया मैं, पूरे की मदद करो यार। एक सेकंड गाइस, थोड़ा और रियलिस्टिक करना, एक चीज कर लूं मैं, बस एक चीज चाहिए मुझे, छोटी सी पत्तियों में से मिल जाए जल्दी से, ये गाइस डंडे, भूले की मदद करो यार ये। ओके, बहुत हरकतें कर रहा हूँ मैं। बेसिकली मैंने ये ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया है। अबे तुम लोगों को ज्यादा सेंस नहीं बना रहा होगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या होने वाला है। हम लोगों का एक तरफ तो अपना वाटर एलिवेटर है, और दूसरी तरफ से वो लोग एक होल से निकल के हम लोग की जमीन पे गिरेंगे। एनीवेज, अब इस एलिवेटर को बनाना शुरू ही कर देते हैं। तो सबसे पहले मुझे थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए, और अब नहीं भाई, अब बहुत हो गया, मैं इग्नोर मार रहा हूँ। सोल सैंड चाहिए मुझे, ये देखो, ना लेने का ना देने का हानी। तो एनीवेज, ये लग गई हम लोग की सोल सैंड, और ये लग गया हम लोगों का कैल्प। इसको जल्दी से मैं एक्चुअली ब्रेक कर देता हूँ, जिससे कि हम लोगों का ये वाटर एलिवेटर तैयार। नाइस। और ऐसे करके हम लोगों के पिगलिन, एनीवेज अब देखो ये थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है, यहाँ पे ओपन है कॉर्नर, इसलिए अब ये पूरा का पूरा सेफ हो चुका है, मतलब कोई पिगलिन बाहर निकल के नहीं आ सकता। तो गाइस मैं यहाँ पे नेदर में अपने फार्म के ऊपर ऐसा कुछ 4-5 मिनट तक AFK करके देखता हूँ, और रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइस, मैं कुछ दिख नहीं रहा, बस ये दिख रहा है यार, वर्क नहीं किया का फार्म। और एक डिंग डिंग के क्या हो रहा है, ओके पूरी इन्वेंटोरी भर गई है मेरी रॉटन फ्लैश और गोल्ड से, सबको हटाओ यार। बाप रे, मैं बस 5-6 मिनट के लिए था वहां पे, इतना सारा गोल्ड मिल गया मुझे। गाइस मैं तो मारा माल हो गया यार, रातों रात ये सब मेरा है। हेलो हेलो, ऐश करो बिल्कुल, तुम भी लो बिल्कुल, सब ले लो, सब तुम भी ले लो। चलो और कहां पे उड़ा सकता हूँ भाई, यार ये तो बहुत खतरनाक है। और यार एक प्रॉब्लम है, मैंने इसको अभी तक चलते ही नहीं देखा यार, मैं तो नेदर के अंदर था, और हम लोगों को यार इसे वर्क करते देखना है ना, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यू नो मेरा एक दोस्त था, आई थिंक वो हम लोगों के लिए काम कर सकता है AFK करना। तो जल्दी से मैं उसे कॉल मिलाता हूँ। तेरा बाप, अबे साले तेरी मम्मी। ओके गाइस, अब वो किसी भी वक्त आता होगा, और इस बंदे को तुम सब जानते होगे, जाना माना अपना भाई, अपना आदमी, अपना लौंडा, अपना ढैंचू, अपनी लैला, हीरो ब्राइन। भाई ये क्या पहन के आ गया ये आदमी, बिल्ली वाली कॉस्ट्यूम। एक सेकंड पूछा इसकी, अबे देखने दो ना, एक सेकंड पूछा भाई इसकी कॉस्ट्यूम में, भाई ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं पहनी, देखो दिखा रहा है। ओके भाई, अब देखो गाइस, मैंने उससे पैसे की तो बोल दिया था, अब यार उसको क्या दूंगा मैं। फॉलो कर रहा है वो मुझे, हाँ भाई वो पैसे दे दूंगा मैं, एक सेकंड बस, एक सेकंड गाइस, एक काम करते हैं। अच्छा बताना कितने रुपए चाहिए तुम्हें, अरे इतने से, बस अपने पीछे देखो तुम, वहाँ पे रखे सारे पैसे, फंस गया। और अच्छा अच्छा मुझसे बढ़िया, हाँ भाई समझ लो क्या हो जाने वाला है तुम्हारे साथ। हेलो पैसा चाहिए 60 करोड़, तो 2 रुपया। एनीवेज गाइस, आई थिंक उसने अग्री कर लिया, वो मेरे साथ नेदर में चले और वहाँ पे मेरे लिए AFK कर देगा। चलो भाई तुम कर दोगे ना इसे, एक सेकंड मेरी तरफ क्यों अटैक करना चाह। अच्छा ओके गाइस, तो मैंने उसे वहाँ पे बैठा दिया, और अब हम लोगों का फार्म आराम से वर्क कर रहा होगा, देख रहे हो जो का लग रहा है घर आए मजा आ रहा ऊपर। चलो एनीवेज, हम लोगों का फार्म अब वर्क कर रहा होगा, और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। क्या हो रहा है, कैसे, हाउ, इतना खतरनाक। ओ भाई गिरे जाना है, बमबारी चल रही है सीधे, ये क्या बना दिया मैंने। एक सेकंड लगता है मैंने गलती कर, वहां से बंद नहीं की मैंने रूफ, तभी हट यार। चलो जल्दी से अपने ग्लास को पकड़ता हूँ मैं, और देखते हैं यार इसको किसी तरीके से फिक्स कर लूँ मैं। ओके बहुत सारे आने यहाँ पे, तुम लोग भाई थोड़ा सा सरक जाओ, एक सेकंड भाई थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, हाँ गुड, बिल्कुल ऐसे। अब मैं क्या इस ब्लॉक को, यार ये सब देख रहे हैं मुझे, बड़ा इनको हिट करने का इतना मूड हो रहा है ना। ओके हम लोग के ब्लॉक प्लेस होना शुरू हो, थोड़ा सा सरकना भाई। ओके तो मैंने इसको फाइनली फिक्स कर दिया, अब बस एक चीज बची है, वहाँ पे बहुत सारे पिगलिन आके बैठ गए। चलो पास जाके देखते हैं, इनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तुम लोग क्या करो, मेरे पास काफी सारा एरिया, मैं तुम लोग एक बढ़िया सा घर बना दूंगा एकदम। ऑफर कैसे लगा मेरा है, हाँ यार ना।
खतरनाक माल है। एनीवेज अब जब फार्म बन चुका है हम लोग इसके अराउंड अपनी एक्चुअली फैक्ट्री बनाना शुरू कर देते हैं। और हम लोग की फैक्ट्री कुछ ऐसे शेप की होने वाली है, थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी हम लोग की डायमंड फैक्ट्री के कंपैरिजन में। एनीवेज अब मैं इस फैक्ट्री को थोड़ा अलग सा दिखाना चाहता हूं, तो एक काम करते हैं थोड़ा सैंडस्टोन क्राफ्ट कर लेते हैं और इसके मिडल में मैंने ऐसे करके पैनल बना दिए और इस पैनल के बीच में आने वाली है हम लोग की सीढ़ियां जो इसको ऊपर लीड कर देती है और हम लोग की पूरी फैक्ट्री पहली मंजिल के ऊपर होगी। अब क्या करते हैं, ये जो रेलिंग है इसके अंदर थोड़ा गोल्ड लगा है ना, ये खतरनाक लग रही है ना थोड़ी, मतलब पता चल रहा है क्या होने वाला है अंदर। एनीवेज अब अपने सारे सैंडस्टोन को लगा के यहाँ पे बालकनी की पूरी फ्लोर को बना लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे करके होल्डर बनाने वाला हूँ जिनके थ्रू हम लोगों के पिलर्स निकलेंगे और ये पिलर्स हम लोगों के पूरी रूफ को पकड़े रहेंगे, तो एक काफी अलग सा ही डिजाइन होने वाला है और काफी अच्छा लगने वाला है। क्या करते हैं, इन पिलर्स को हम लोग अपने पूरे बैक में बना लेते हैं। अब जब ये सारे बन चुके हैं हम लोग पूरी फैक्ट्री को बनाने के लिए इनकी वॉल्स बना लेते हैं और बीचों बीच में एक बड़ी सी वॉल बना देने वाला हूँ जिसके ऊपर काफी सारा खाली स्पेस होगा। जैसे कि मेरी डायमंड फैक्ट्री में डायमंड बना हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा गोल्ड इंगट होगा। ओके, अब हम लोग अपने रूफ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और मैं अपने रूफ को दो हिस्सों में बांटने वाला हूँ। ये थोड़ा अलग है हम लोग की डायमंड फैक्ट्री से क्योंकि वो तीन हिस्सों में बटी हुई थी, ये बटी हुई है दो हिस्सों के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी ही फैक्ट्री के अराउंड हम लोग अपने पिलर्स बनाते हैं। एंड गाइस काफी अच्छा जा रहा है हम लोगों का काम, ये देखो कितने खतरनाक से लग रहे हैं हम लोग की पूरी बिल्ड के अराउंड। एनीवेज अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्स को बनाने से पहले अपनी रूफ बना देते हैं कि वो और सिंपलर होने वाले हैं इस पिलर के डिजाइन के साथ। अब देखो मैंने दो रूफ बनाई थी, अभी तो मैंने लोअर रूफ बनाई है, अब लोअर रूफ को अपर रूफ से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसी विंडोज सी बना देने वाला हूँ जो कि इन दोनों रूफ को अच्छे से कनेक्ट कर देंगी। अब फैक्ट्री बन गई, अरे गाइस मेरी गर्दन चटक गई। लेकिन अभी पूरा काम तो खत्म नहीं हुआ है, मतलब इंटीरियर को देखो, व्हाट इज दिस, और एक्सटीरियर भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया विंडोज मैंने अभी तक फिल इन नहीं करी है। अब देखो मैं इसके अंदर नॉर्मल ग्लास तो नहीं लगाने वाला क्योंकि वो हम लोगों ने पहले भी किया है और ये फैक्ट्री और भी ज्यादा कूलर होने वाली है, इसलिए मैं इसको कलर्ड ग्लास से बनाऊंगा। तुम लोगों को पता ही है कौन से कलर का इस्तेमाल करने वाला हूं मैं, और मैं मोस्टली पेंट्स का यूज करने वाला हूं। इसलिए देखो मैंने सारी विंडोज के लिए यहाँ पे होल्स तो नहीं बनाए थे, तो हम लोग को अभी अभी बनाने होंगे, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जल्दी से इनको लगाना तो शुरू करते हैं ना। कि यहाँ पे एक विंडो आ सकती है, तो हम लोग इधर एक छोटा सा होल बना के यहाँ पे भी एक विंडो बनाए थे और फाइनली यहाँ पे मैं इन रूफ के बीच की वॉल में अपना ग्लास लगा देता हूँ। एंड गाइस ये लग गया हम लोग का सारा ग्लास, बाप रे यार अमीरी वाली फील आ रही है एकदम। ओके गाइस अब बस एक फाइनल चीज है, मैं देख रहा था जो हम लोग की रूफ है वो काफी ज्यादा प्लेन लग रही है, तो हम लोग इसके अंदर डिटेल डालते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐसे करके होल्डर से बनाए थे जो हम लोगों की पूरी रूफ को और स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे करके। और ये भाई काफी ज्यादा अच्छी लग रही है ना, एकदम अलग सी। और मैं बोलूंगा इसका बैक हम लोग की डायमंड फैक्ट्री के सामने बहुत ज्यादा अच्छा है। एनीवेज गाइस इसका मतलब है हम लोग की फैक्ट्री का एक्सटीरियर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इंटीरियर की बारी। और यहाँ पे तो भाई पूरा कांड हो चुका है, मतलब अब देखो मुझे पता है बहुत ज्यादा बोरिंग होगा अगर मैं यहाँ की पूरी फ्लोर को बनाते हुए दिखाऊंगा और क्लियर अप करता हूँ और दिखाऊंगा, इसलिए गाइस ये पूरी फ्लोर को मैंने अच्छे से बना दिया है यहाँ पे। और मैंने हम लोगों के फार्म को और ज्यादा क्लीन अप कर दिया था, ऐसा और ज्यादा वूल से मैंने इसको डेकोरेट किया है ताकि थोड़ा और फ्रेंडली लगे और इतना मतलब टॉर्चर डिवाइस ना लगे पुरानी वाली एकदम। एनीवेज अब मुझे लग रहा है टाइम आ चुका है हम लोगों के अंदर की चीजें बनाने का जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग सबसे पहले अपनी गोल्ड मशीन को बना लेते हैं क्योंकि वो वन ऑफ दी कूलेस्ट चीजें होंगी जो मैं आज तक बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने सबसे नीचे वाले लेवल से शुरू करते हैं, इसका मतलब है हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट से मेरा मतलब हम लोग क्या करते हैं अपने गोल्ड गोलम्स बनाते हैं। देखो मुझे पता है वो एग्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन यार कम ऑन गाइस बचपन नहीं देखा क्या तुम लोगों ने। एनीवेज तो हम लोग एक पिस्टन नीचे लगा लेते हैं अपने बाएं और दाएं भी। ओके बाएं और दाएं कौन बोलता है, दाएं बाएं और मैं व्हाट क्या। एनीवेज ऐसे करके एक गोलम तो बन रहा है, बस इसका सिर चाहिए, मतलब एक कद्दू। तो चलो उसको पास के जंगलों से ले आते हैं। ओके गाइस ये पूरा गोलम तो कंप्लीट हो चुका है, मुझे बेसिकली इन सारी पिस्टन्स को अपने रेडस्टोन से कनेक्ट कर देना है और अगर मैं क्लॉक बना लूं तो हम लोग का गोलम फाइनली कंप्लीट। 2000 years later. ओके गाइस अब ये कितना प्यारा लग रहा है ना। अब इस सेम चीज को हम लोग इधर रेप्लिकेट कर देते हैं, तो हम लोगों के ऐसे करके दो गोलम्स बन गए जो डेफिनेटली माइनक्राफ्ट के अंदर खोटे हैं भाई। देख रहे हो कितने ताकतवर हैं। अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसके अंदर घुस जाऊँ क्या मुझे गोल्डन आर्मर मिल पाती या नहीं मिल पाती। एंड गाइस ये हो गए क्रिएट हम लोगों के गोल्ड गोलम्स, काफी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बस एक छोटी सी अजीब सी चीज है, इनके पीछे का सब कुछ रेस्टोरेंट दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपना आयरन लगाए थे। अरे यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन में भी इतना अच्छा नहीं था। और हाँ मैंने तो तुम लोगों को इसके पीछे का रेस्टोरेंट दिखाया ना, ये देख रहे हो मैंने सारी पिस्टन को यहाँ पे कनेक्ट किया और इन सब के अंदर अलग अलग ट्रिक स्पीड डाली है रिपीटर्स का यूज करके। और यहाँ पे मैंने एक डिलेड क्लॉक बनाई है जो हम लोगों के गोलम्स को बनने में मदद करती है और सारी पिस्टन को एक्टिवेट करती है। ये भाई थोड़ी टेढ़ी मशीन थी, तुम में से जिनको भी जानना था कैसे बनती है पता है। एनीवेज इसका मतलब है हम लोगों की मशीन
इनका पहला लेवल तो कंप्लीट, अब दूसरे लेवल पे मूव ऑन करते हैं जो कि हम लोगों के ब्लॉक्स जिनसे ये गोलम्स बन रहे हैं। बेसिकली वो इस एक लाइन के अंदर मूव करने वाले हैं और मैं दो कन्वेयर बेल्ट बनाऊंगा जो कि गोल्ड को घुमा के अंदर की तरफ ले जा रही है। तो हम लोग अपनी पिस्टन को इधर और इधर लगा देते हैं, ये बन गया हम लोगों के गोल्ड ब्लॉक्स का रास्ता। इधर आ जाएगी हम लोगों की स्टिकी पिस्टन और ये हम लोगों की नॉर्मल पिस्टन। अब देखो मैं भी गोल्ड का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा वुड लगाने वाला हूँ टेस्टिंग करने के लिए। अब बस एक सिंपल सी क्लॉक बना देते हैं और अगर इसको मैं एक्टिवेट करूँ क्या ये ओके, ऐसे तो नहीं होता, इतने आराम से तोड़ना होती है चीजें। ओके आई थिंक मुझे थोड़े रिपीटर्स का इस्तेमाल करना होगा। ये आराम से मूव कर रही हो ना, ये देख रहे हो कितनी कूल सी लग रही है और एक भी पिस्टन नहीं दिख रही है। अगर तुम यहाँ पे सामने से इसको देखते हो तो ये बहुत ही खतरनाक अलग सी चीज है। अब मैं इसके अंदर सोना तो नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास बस इतना सा बचा और इसको मैं अपने राशन पानी के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। पता नहीं यार सारा सोना कहाँ पे बीत गया। तो चलो गाइस आई थिंक मुझे एक बंदे को फिर से कॉल बनाना होगा। अरे हीलो ब्लाइन, अब तो वैसे मुझे लग रहा है मैं कभी भी गरीब नहीं हूँ, मतलब देख रहे हो। तो जल्दी से इस क्लॉक को हम लोग बंद करते हैं और यहाँ पे अपना गोल डाल देते हैं। परफेक्ट गाइस, ये बन गई हम लोगों की कन्वेयर बेल्ट। बस इसको मैं थोड़ा क्लीन अप कर दूं खुद से ऐसे करके, अब काफी अच्छा हो रहा है। ओके अब टाइम है हम लोगों के नेक्स्ट लेवल का और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक गोल्ड इंगट्स की नदी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं थोड़ा बहुत ग्लास डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग उसके पीछे अपने हॉपर्स लगा देते हैं। मैं इन कोनों से थोड़ा पानी छोड़ देता हूँ इन डिस्पेंसर्स के ऊपर, सबको फाइनली क्लीन कर देते हैं। आई थिंक ये काफी अच्छा मैकेनिज्म लग रहा है। गाइस ये मैंने गोल्ड इंगट की ये तो बना दी, लेकिन तुम लोगों के लिए एज अ सरप्राइज मैंने अपनी एक नगेट्स की स्ट्रीम भी बना दी है। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने अपनी पूरी गोल्ड मशीन फाइनली बिल्ड कर दी और ये वन ऑफ दी बेस्ट चीजें हैं जो मैंने आज तक बनाई है। मतलब देख रहे हो ये हम लोग की पूरी गोल्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग के नगेट्स आए थे फार्म से, फिर वो गोल्ड इंगट के अंदर कन्वर्ट हो गए, उसके बाद ये हम लोग के ब्लॉक्स के अंदर क्राफ्ट हो गए एंड फाइनली उनसे हम लोग के गोल्ड गोलम्स बन गए। ओके अब जो वो मशीन बन चुकी है अपने बाकी सब गोल्ड को रखने के लिए, मैं एक बैंक बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये तो भाई बहुत ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला है और डेफिनेटली वो चोरी हो जाएगा, वो हीरो ब्रांड ठीक आदमी नहीं लगता मुझे। सबसे पहले इसका हम लोग डिजाइन बना लेते हैं। मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे मैं अपना ऐसा पासवर्ड सा बनाने वाला हूँ। क्या होगा यहाँ पे 9 बटन है और इनमें से 3 बटन के कॉम्बिनेशन को अगर तुम लोग क्लिक करते हो ऐसे करके, मतलब 1 2 3 1 2 3, बस एक ही कोड पे जाके ये खुलता है। तो काइंड ऑफ ये एक पासवर्ड की तरह जो फोनों में होता है और ये पासवर्ड कनेक्टेड होगा हम लोगों की एक गोल्ड की बनी हुई पिस्टन डोर से जो कि इधर होने वाली है। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा मुझे इसके लिए 2 रेडस्टोन मशीन बनानी होंगी, एक तो हम लोगों के पासवर्ड के लिए और एक हम लोगों की पिस्टन डोर के लिए, और फिर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। गाइस राइटिंग ये काफी इफेक्टिव है, मुझे आने दो यार अंदर। ओके ज्यादा हरकत नहीं, हम लोग अपने रेडस्टोन पे काम करना शुरू कर देते हैं। और ये मैंने अपने लॉकर की तो पूरी रेडस्टोन लगा दिए, तो अगर मैं यहाँ पे अपने कोड को डालू तो हाँ ये बंद तो हो गया, बस टेस्ट करना है क्या ये ऐसे करके यहाँ पे हम लोग रेडस्टोन को खोल सकता है। और खुल गया, कैसे बना दिए मैंने। चलो तो ये पहली मशीन तो हो गई। एनीवेज अब हम लोगों को इसको अपनी पिस्टन डोर से कनेक्ट करना होगा। तो ये अगर तुम लोगों ने रियलाइज नहीं करा है ये तो मैंने बिल्ड कर दिया यार, मैंने अपना डबल पिस्टन एक्सटेंडर सा बनाया था जो हम लोगों के मिडल वाले ब्लॉक को भी पुल कर लेता है, क्योंकि ये 2x2 ना ये 3x3 पिस्टन डोर है, मतलब एक बीच में भी ब्लॉक होता है इसके। तो हम लोग इन दोनों मशीन को फाइनली कनेक्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पे मैं एक रिपीटर, अरे बाप रे ये तो काम करना शुरू हो गई यार। एनीवेज अगर मैं अब अपना यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ तो यार ओके इससे खतरनाक चीज मैंने कभी नहीं बनाई है, ये सबसे सिक्योर डोर है पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर भाई साहब। मतलब तुम लोग ही कमेंट्स के अंदर लिखो अच्छी नहीं है क्या ये। एक सेकंड गाइस, मैंने तो यहाँ पे गलत कोड डाला था, मतलब कोड तो हम लोगों का कुछ ऐसे था ना। हाँ ये देखो यहाँ पे ये बंद हो गई, एक सेकंड। ओके मैंने वहाँ पे सबसे पहले बीच वाला फिर ऊपर वाला फिर नीचे वाला था, लेकिन मैं अगर बीच वाला डालू तो प्रॉब्लम है। ओके एक सेकंड, अगर मैं फिर से इसको ओके कुछ भी डालो ये वर्क कर रहे हैं। एनीवेज अब हम लोग यहाँ पे अपनी बैंक को ऊपर के फ्लोर पे बनाते हैं क्योंकि मेरे पास नीचे ज्यादा स्पेस नहीं है, पूरा रेडस्टोन लग चुका है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ जो एक्चुअली हम लोग के गोल्ड को छुपाती है, कुछ फायदा नहीं होगा अगर वो सीधा सीधा खुलेआम दिखता रहेगा। एंड अगर तुम इस डोर को खोलते हो और इन सीलों को फॉलो करते हो तुम आ जाते हो मेरी सीक्रेट बैंक में, जिसके अंदर कुछ सोना तो डला नहीं है क्योंकि मैंने सारा सोना तो अपनी कन्वेयर बेल्ट में लगा दिया और ये मेरा सारा सोना बचा हुआ। लेकिन चलो वहाँ पे सोना डालने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये काफी काली पीली लग रही है वॉल, यहाँ पे इसको बैंक की तरह दिखाने के लिए अपना रुपए का सिंबल लगाए थे जो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल फिट इन कर रहा है। अब लग रही है ना ये पूरी बैंक मेरी। एनीवेज इसके अंदर हम लोग जल्दी से घुसते हैं, ये दरवाजा खुला। अब यार यहाँ पे सोना तो था नहीं इसलिए, अरे हीलो ब्लाइन। ओके क्या होगा अगर मैं इसके अंदर बस एक बटन दबाऊं,
चलो कोई बात नहीं, ये देख रहा हूँ कितना सारा सोना। इतना ज्यादा सोना बस मुझे रियल लाइफ में मिल जाए एक बार। लिटरली पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे इससे, और मैंने इसको खोखला नहीं बनाया, इसके अंदर भी पूरे गोल्ड ब्लॉक्स बन रखे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल बैंक है ना, अपने इस्तेमाल के लिए रखूंगा ना मैं। एनीवेज मैं तो सोच रहा हूँ अपना घर में यहीं पे बसाऊंगा, लेकिन यार मैं नहीं चाहता इस दरवाजे को मैं ज्यादा लंबे समय तक खुला रखूं, इसलिए इसको जल्दी से बंद कर देते हैं यार। हाँ, अब थोड़ा सेफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल मनी सिक्योर है मेरी अच्छे से। वैसे एक सेकंड, मैंने एक बार रियलाइज करी मनी राज सिक्योर नहीं, विंडो के बाहर से दिख रहा है मेरा गोल्ड नहीं। तो कोई बात नहीं, लोग भूल जाते हैं मातों को, उन लोगों को लग रहा होगा बस ऐसे डिस्प्ले के लिए मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड रखा है, अंडर जाके भूल जाएंगे जरूर, बस विंडो को तोड़ के ना घुस जाए। हाँ भाई, तुम तो कुछ नहीं करने वाले ना है भाई, अभी दिखाता हूँ मैं, अंदर घुसोगे क्या? हम लोगों की दो मेन मशीन तो बन गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोगों का जो फार्म है वो मोस्टली बंद रह रहा है, और जब ये बंद रह रहा है ये काफी खाली सी चीज लगती है, इसके अंदर कुछ देखने को नहीं है। लेकिन यार ये तो मेन माल है, तो हम लोगों की पूरी गोल्ड फैक्ट्री की जान और शान है, यहाँ पे भी कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इस नेदर पोर्टल के ऊपर एक पिगलिन रिसोर्स लैब बना देते हैं, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा स्पेस बचा कुछ है, तो मैं क्या करता हूँ अभी एक सेकंड के लिए यहाँ पे इस होल को ब्लॉक ऑफ कर देता हूँ, और ऊपर एक छोटा सा ग्लास का रूम बना देता हूँ। अब भाई जल्दी से हीरो ब्रांड को कॉल मिलाता हूँ। नहीं नहीं, अरे यार ओके, मैं कोशिश करता हूँ इनको नीचे फेंकने की। पर 5 मिनट हड़दंग करने के बाद मैंने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है, बस यहीं पे ही रहना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐसे करके ग्लास लगा लेता हूँ, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली प्रिजनर नहीं है, ऐसा लग रहा है ऐसे खुले हुए खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग एक चेन लगा रहे ना, और ये लटका दिए, तो ये मैंने यहाँ पे दो पिगलेट्स तो डाल दिए जिनके ऊपर टेस्ट चलने खतरनाक वाले एकदम, पता नहीं क्या करना है विलेजर्स उनके साथ, लेकिन वो विलेजर्स तो है नहीं वहाँ पे, तो उनको मैं जल्दी से यहाँ से ले आता हूँ। और उनको लाने के लिए मैं बनाया था समुद्र के पास के विलेज से अपनी फैक्ट्री तक का पूरा रेलवे नेटवर्क। एनीवेज यार ये खतरनाक नहीं लग रहा, पूरे रास्ते ही हम लोगों के विलेजर्स को ट्रेवल करवाएगा। एनीवेज मैं सोच रहा हूँ यहाँ से हम लोग 2 कंटेस्टेंट को लेंगे। ये क्या फालतू पानी की चीजें कर रहे हो भाई, अभी इतना कमाऊंगा मतलब 2-2 रुपए के बेचेंगे आलू, अभी 2 रुपए दे दूंगा भाई तुम्हें, ये लो भाई 2 रुपए। लेकिन यार ये सब फालतू का माल है, तुम बस वहाँ पे चल लो यार प्लीज प्लीज। ओके ये इंटरेस्टेड है गाइस, आई थिंक नाइस। एक फार्मर है एक रिसर्चर है, तो बेसिकली क्या करेगा फार्मर इसके लिए कुकिंग कर देगा, और ये लाइब्रेरियन रिसर्च कर लेगा। तो भाई इस फार्मर को लेकर चलते हैं। वैसे गाइस वरी मत करो, उसने अपनी टोपी उतार दी, वो अभी भी फार्मर है, मैंने उसका जस्ट कंपोस्टर तोड़ दिया था। एनीवेज सबसे पहले हम लोग अपने लाइब्रेरियन को भेज देते हैं, ये जा रहा है भाई। और गाइस ये रिसर्च लैब काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली, क्योंकि सोचो यार मोस्टली हम लोग का फार्म तो खाली ही रहता है ना। चलो मैंने पिगलिंस तो कर दी, हम लोग का विलेजर आता ही होगा किसी भी से। एनीवेज गाइस अब बारी हम लोगों के फार्मर की, चलो भाई। अरे अभी तो कुछ और बोल रहा है, क्या है इसका मतलब? तेरी टॉफी खाओगे भाई? दोना, आप दोना। चलो गाइस मैं इसको टॉफी खिलाने जल्दी से चलता हूँ, यहाँ पे वो जा रहा है। नाइस, गुड बाय भाई। अरे भाई वाप, मैं देने वाला था टॉफी, क्या समझ रहे हो तुम मुझे? नीचे खाइए नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचा। और कुछ ओ, इसको तैरना, ओके इसको तैरना आता है। मैंने क्यों किया ऐसा यार, अपनी टाइटैनिक तो डूब गई, हमेशा याद रखूं मैं इसको। एनीवेज टाइटैनिक नंबर 2 से आ गया ये। एनीवेज अपने दोनों बंदे तो यहाँ पे आ चुके हैं, देखो यार बेचारे थोड़े बहुत दुखी हैं, अपनी फैमिली से दूर है ना, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। एनीवेज ये दोनों को अपनी जॉब वापस मिल गई, और ये बन गई हम लोगों की रिसर्च लैब। अब काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को, मतलब मजा आता है मॉब्स को देखने। तुम सच बताओ कभी कभी ऐसी हरकत नहीं देते रैंडमली मॉब्स को देख रहे हो? और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब पिगलिंस और विलेजर्स, किसी ने सोचा था इसके बारे में? बस गाइस एक चीज बची है, और वो चीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है हम लोग के एक्चुअल फार्म से रिलेटेड। क्योंकि क्या होता है जब भी मैं इस फार्म का इस्तेमाल करता हूँ, सारी जो लूट होती है बस जमीन पे जाके गिर जाती है, और मुझे पूरा ग्लास तोड़ के अंदर जाना पड़ता है, और इसकी वजह से मैं बहुत सारे लफड़े में पड़ता हूँ। अरे क्रिसमस लग गया। चलो सबको छोड़ो, पहले मैं अपना सारा हॉपर से कनेक्ट कर दूं इसको, तो चेस्ट के अंदर मेरा सारा गोल्ड आराम से आ जाएगा, और मुझे अब कभी भी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बस ये रूम थोड़ा खाली लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ डेकोरेट कर देते हैं। ये गाइस मैंने छोटा सा क्रिसमस ट्री बना दिया है मतलब अपने लिए, और एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक पेड़ है ही, इसके नीचे हमेशा कुछ प्रेजेंट होता है ना, थोड़ा सैड होगा मतलब प्रेजेंट नहीं मिला मुझे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट भी डाल देता हूँ। और इसके अंदर क्या बोलूं क्या बोलूं, अरे हाँ एक चीज की कमी नहीं है बस मुझे, ये लिटरली दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट है, खट्टा भर के सीधा सोना डाल दिया। ओके एनीवेज इस वाले कॉर्नर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा शोरूम सा बनाते हैं, मतलब रोलेक्स वोलेक्स के शोरूम नहीं होते हैं, वहाँ पे ऐसे करके अपने आइटम्स को वो ऐसे केसेस में दिखाते हैं ग्लास के, और इस ग्लास के अंदर
क्योंकि ग्लास वर्क नहीं कर रहा था, मुझे थोड़ी स्कैफोल्डिंग लगानी पड़ी, लेकिन चलो ये भी ठीक है, हम लोग का एक छोटा सा शोरूम भी बन गया। अभी बीच में थोड़ा बहुत खाली है, मुझे पता है गेम खेलते हैं। अभी मैं एक चीज बना रहा हूँ, बताना कितने जल्दी तुम लोग गैस कर सकते हो एक्चुअली मैं क्या बना रहा हूँ, कमेंट के अंदर बताना। हम लोगों का ग्लास लग गया, सामने थोड़ी लाइट होनी चाहिए, पीछे से थोड़ी हेडलाइट, अब तुम लोग समझ गए मैं क्या बना रहा हूँ। और ये बना दिया मैंने दुनिया की रिचेस्ट कार, मतलब बुगाटी तो भाई एक खिलौना होता है यार, बचपन में मैं खेल रहा बड़े अच्छी होती थी, लेकिन यार ये देख रहे हो। बस एक सेकंड, ये ब्रांडेड नहीं है ना, इसकी प्राइस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं जल्दी से, तुम भाई आ जाओ। अब बस नीचे ही बेसमेंट में आ गया है, ये ब्रांडेड हो गई कार, फरारी चीज है भाई साहब। एंड पीछे हम लोग एक नंबर प्लेट भी डालते हैं इस कार को लीगल करने के लिए, और मेरी नंबर प्लेट का नंबर होने वाला है डायनो। अब हो गई दुनिया की रिचेस्ट कार, अब ये बन चुकी है एक फरारी। तो ये हम लोगों का बड़ा खतरनाक सब बेसमेंट भी बन गया। अब तो गाइस बस एक चीज ही बची है, और वो यहाँ पे आने वाली है। बट तो मैंने हम लोगों के गोल्ड एनगट के लिए ऐसे करके एक आउटलाइन बना लिया, जिससे मेरे लिए और ज्यादा इजी होने वाला है इसको बनाना। तो जल्दी से इस आउटलाइन के ऊपर हम लोग अपना पूरा कलर डाल लेते हैं। और गाइस ये बना दी मैंने अपनी पूरी गोल्ड फैक्ट्री, जिसके अंदर एक पूरी खतरनाक सी गोल्ड मशीन है, जिसके थ्रू पूरे गोल्ड की प्रोसेस दिखती है। मतलब हर फॉर्म के अंदर तुम्हें यहाँ पे गोल्ड दिख जाता है। इसके अंदर है पूरे गेम का सबसे खतरनाक पिगलिन फॉर्म, जिसके ऊपर लिटरली पिगलिन्स की रिसर्च लैब भी है, और अपने पिगलिन्स को सीधे नेदर से इम्पोर्ट करता है। अब देख रहे हो क्या चल रहा है वहाँ पे। पास नीचे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बेसमेंट भी है, जिसके अंदर सारी चेस्ट में ऑटोमेटिकली मेरा सारा गोल्ड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, जिसके नीचे दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट रखा हुआ है। यहीं पे मैंने खड़ी कर दी है दुनिया की सबसे महंगी कार। एंड फाइनली मेरे पास एक बैंक है, जिसके अंदर सीक्रेट कोड को डाल के ही तुम इस सब सोने को एक्सेस कर सकते हो। अब गाइस ये पूरी फैक्ट्री तो बना दी, अब बस मैं सोच रहा हूँ कितनी महंगी होगी। इसकी प्राइस मुझे कमेंट में बताओ।